Wow. Excellent. After watching this, I just want to request you ki mera bhi kar do. Please. Shoot. I would love to. Oh my God. It's just amazing. Acha kaisa experience tha Nadia ke baad? Because us show se aapki bahut recognition aur khawateen ke khaas taur pe circle ke andar bahut mohabbat aur jahan aap jaate the bahut zyada. Bilkul ji, bahut zyada. Kaisa experience tha Nadia ke saath? And do you miss her on television and morning shows? Bahut zyada I miss her because I think us jaisi host maine Pakistan mein koi nahi dekhi. Jitni wo natural thi aur jis tarah se wo हर एक से रिलेट कर लेती थी और जिस तरह हर रोज़ लोग मुझे पूछ रहे होते हैं नादिया क्यों गई नादिया कहाँ गई नादिया कहाँ गई ये मेरी जिंदगी का एक रूटीन बन गया अब कि हर रोज कम से कम कोई 20-25 लोगों के वो आपके साथ जवाब देना एफिलिएशन इतनी थी ना बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी और क्योंकि नादिया जो हैं वो ऑन स्क्रीन नहीं है आजकल तो जब लोगों को मैं नजर आता तो उनको मैं फेस ऑफ नादिया खान छोड़ लगता तो वो मुझे सारा वक्त लोग कहते रहते वो कहाँ गई मैं खुद उनको बहुत ऑन स्क्रीन मिस करता हूँ बिकॉज उनकी वजह से शोज में बड़ा कॉम्पिटिशन था और सारा वो आपने देखा कैसे कैसे भोंडे तरीके से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो आई रियली मिस हर एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक तो वो था कि बड़ा हाई प्रोफाइल शो था दुबई जाना हर हफ्ते दुबई जाना फिर नादिया इतना पैम्पर करती थी हम सबको और इतना ज़्यादा उस शो की वजह से माशाल्लाह मुझे रिकग्निशन मिली है कि आपको बता नहीं सकता कि बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड अच्छा जिस वक्त आप एक ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हो जो जाहिर है दुनिया के लिए बहुत काम और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए एक विजन उसका था तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने नादिया से सीखी वैसे और मैं इसलिए क्योंकि नादिया इनके दोस्तों में और इनके प्यारों में बहुत करीब है और क्योंकि लोग उसको बहुत मिस करते हैं तो आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट हर क्या चीज़ ऐसी है जो आपने उनसे सीखी नादिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है जिस तरह से वो लाइव शो कंडक्ट करती हैं उस तरह से मैंने देखा कि वो किस तरह से हैंडल करती हैं आइडियाज़ उनके दिमाग में ऐसे आते हैं कि मैं हैरान होता था कि ब्रेक में उसको आइडिया आता था कि अब अगले में नहीं नहीं ये नहीं करना ये करते हैं वो चेंज मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैं कहता ये कैसे इसके दिमाग में इतना ब्रिलियंट आइडिया कैसे आया बिल्कुल ये चीज़ जनरेट करना और एनर्जी बिल्कुल ओह माय गॉड एनर्जी थी उसके अंदर जनरेट वो करती थी अगर वो खराब मूड में भी असल जिंदगी में है तो वो ऑन स्क्रीन ऐसी एनर्जी और मजे की और पॉजिटिव और एक फैक्ट के वो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ऑन स्क्रीन रिलेट कर लेती थी सही। जो पाकिस्तानी औरत का एक है हमारा वो सारा उनमें वो चीज़ थी तो मुझे ये था बहुत ज़्यादा था कि वो रिलेट बड़ा अच्छा ऑडियंस से करती थी तो मैंने ये चीज़ और एक्सटेम्पोर बोलना अच्छा ये तो प्रोफेशनल बात हो गई ना मतलब सारी चीज़ें जो आपने कही मगर ऐसा शख्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने में और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत चेंज आती है पर्सनल लेवल के ऊपर हाँ जी वो क्या चीज़ सीखी वो ये चीज़ थी कि मैं उनके अंदर एक तो था कि वो बहुत क्रिएटिव माइंडेड थी तो मैं भी हूँ थोड़ा बहुत तो मुझे लगता था कि मैं उनसे बहुत सीखता था कि किस तरह से वो सारा वक्त काम के बारे में पैशनेट होना और अपनी ज़िंदगी के बारे में पैशनेट होना ये उनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी थी और हमेशा खुश रहना मज़े की बातें करना इन्जॉय करना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना ये चीज़ें उनके अंदर बहुत थी और ये मैंने बहुत शेयर की और उनसे बहुत सी टिप्स लर्न की बहुत सी ज़िंदगी को मज़े से गुजारने बिल्कुल और बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी खुश रहना और उस सिचुएशन में को डील करने का सीखना एक क्योंकि प्रॉब्लम को अगर आप बहुत सर पे चढ़ा लेना तो वो बहुत इतनी सी बड़ी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है तो आई फील कि वो उन चीज में बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करती थी और उनको सॉल्व करती थी अच्छा अब एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आपसे पूछने लगी वो ये कि ज़िंदगी में ऐसा होता है ना वो लोग जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और उनसे आप शायद सोचते हो कि ये कहना चाहिए ये कहना चाहिए ये कहना चाहिए मगर वक्त और हालात शायद आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी हम साथ ही रहेंगे तो कह देंगे पता ही है अगले बंदे को मगर शायद कह नहीं पाते कोई चीज़ ऐसी नादिया से कहना चाहते हो जो शायद कभी वर्ड्स में उससे नहीं कही बट यू वॉन्ट टू से दैट ऑन एयर थ्रू दिस शो बिल्कुल नादिया बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात हालांकि उनको पता है लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी जो मेरा आज स्टेटस है जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नादिया खान शो की है और नादिया खान ने मुझे बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म दिया और अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे लिए फ़ाइट भी की और बाद दफ़ा होता था कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता था तो शी वाज ऑलवेज देयर तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि यू ऑलवेज बीन देयर एंड यू सपोर्टेड मी और फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नादिया खान टिल द लास्ट एपिसोड आई वॉज देयर तो इससे बड़ी और बात क्या होगी कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम उसने मुझे दिया फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल आई विल बी एटर्नली ग्रेटफुल एंड इफ आई कैन एनी डू एनीथिंग फॉर यू इन द लाइफ
कुछ भी आई एम ऑलवेज यू नो आई एम ऑलवेज देयर एंड काउंट मी इन, मतलब मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके लिए ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कर सका जो आई फील करती कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकूँ, मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे लोग अगर ऐसे दोस्त हो जाएं तो बड़ा मान होता है लोगों का, बिकॉज कहते हैं कि अगर हज़रत अली की एक सेइंग है कि अगर आप के पास एक भी मुखलिस दोस्त है तो आप इस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान है और अमीर तरीन इंसान। और माशाल्लाह अरूज आपकी दोस्तों वाली बात से मैं ये कहूँगा कि जैसे मेरे दोस्त हैं जावेद, फिर मेरे दोस्त हैं कलीम मिकी, फिर मेरे दोस्त हैं अरशद तरीन, फिर आयशा सना, आसिम यार टिवाना, कासिम यार टिवाना, बबलू, मेरे इतने ये प्यारे दोस्त हैं कि मतलब जिंदगी इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अरशद तरीन, सब लोग, सलीम नोमी हमारे एक फ्रेंड है आजकल अमेरिका से आए हुए, वो हम मतलब दे आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और ये लोग मेरे नीचे एक पिलर्स हैं और इन्होंने मुझे उठाया हुआ। सो आई रियली एक्चुअली फील दैट। तो वरना इंसान सपोर्ट सिस्टम के बगैर कुछ नहीं, और अकेला इंसान कुछ नहीं, impossible. तो और प्लस जिस तरह से मैं हूँ कि मेरे माँ बाप भी नहीं है, और तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस माई ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, मेरे बड़े भाई हैं जावेद, फिर मेरी दो बहनें हैं फरहत और निगत। एक ही बर्थडे भी तो है ना, विश करनी नहीं, बिल्कुल आज इससे पहले कि भूल जाओ। नहीं, मेरी जो बड़ी बहन है फरहत खालिद, उनको हम प्यार से हनी कहते हैं। अच्छा। तो वो बहुत मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, मेरी माओ की तरह है, और उन्होंने मुझे माओ की तरह पाला है। और बहुत ज़्यादा जब उनकी शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटा था, एज डिफरेंस हमारा काफ़ी है, तो मैं बहुत छोटा था, बहुत रोता था उनके लिए। अच्छा। कि मैं कहता था कि वो कहाँ, उस तस्वीर उनकी साइड टेबल पे लगा के ना, अम्मी कहती थी कि क्या हो गया तुम्हें, बचपन से ना वो फिल्मीपन था, बहुत फिल्मीपन था, तो मैं रोता रहता था कि किसी की बहन की शादी हो जाए तो वो रोए भी ना। अम्मी कहती थी कि कुछ नहीं होता, वो फिर आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं बहुत रोता था। तो उनकी आज बर्थडे, तो आई विश हर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड होप कि आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, हमारे सरों पे आपका साया रहे, और आप खुशियाँ आपको अल्लाह मियाँ दिखाएं, अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहें इंशाल्लाह ताला। वो इस्लामाबाद में रहती हैं। अच्छा, अच्छा। आज उनकी बर्थडे है, तो अभी हमारी पूरी टीम की तरफ से, ए प्लस की तरफ से आपको बहुत ही खुश और अच्छा अच्छा दिन गुजरे आपका, विश यू ऑल द लक। इस वक्त हमारे पास आपके एक दोस्त की कॉल है। हाँ, बिल्कुल। क्या हमारे पास ब्रेक है इस वक्त? नहीं है ना, नो ब्रेक। जी, इस वक्त हमारे पास एक कॉल है, आपके दोस्त हैं, अब आपने गेस करना है कौन है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक साइलेंस है जी, कोई है? हेलो जी, नहीं, मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई। ओहो, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे आपने, जो ये विश किया ना अपनी बहन को। अच्छा, 1989 एंड 2007, दीज ईयर्स वर द मोस्ट क्रूशल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज 1989 में यू लॉस्ट योर फादर, 1980 एंड 2007 यू लॉस्ट योर मदर। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कैसा रिश्ता था माँ के साथ? उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे रोना आ जाता फ़ौरन। तो अम्मी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी मैं बहुत छोटा था, तो अम्मी ने फिर माँ बाप बन के हमें पाला, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बहुत सिखाई, जो मैं फील करता हूँ आजकल के माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को वैल्यूज़ ही नहीं सिखाते। अम्मी ने इतनी वैल्यूज़ हमें सिखाई कि अच्छा इंसान और हकूक़ लिबाद, तो कूट कूट के, जैसे कहते हैं ना वो मसाले की तरह वो कूटते हैं ना वो, वो उसमें तो उस तरह से कूट कूट के हमारे अंदर डाला। और सारा वक्त ये कहती रहती थी कि अपने अंदर की मासूमियत कभी नहीं जाने दो, लोगों से प्यार करो, हर एक की हेल्प करो, क्योंकि वो खुद सारी फैमिली की हेल्प करती थी, अपने इन लॉज की भी और अपने इनकी सारी फैमिली की, जो अम्मे के अपने, बिल्कुल मेको की भी, सारी बहन भाइयों की सारा। तो मुझे उनसे बहुत प्यार था, और आई फील वेरी डेवेस्टेटेड नाउ दैट शी इज़ नॉट हेयर, बट अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस हमने भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरी बस ये हमेशा ख्वाहिश रहती है कि जब उस दुनिया से उस दुनिया में जाऊँ तो अपनी अम्मी के पास, अबू अम्मी के पास जाऊँ, और आराम से पैम्पर्ड बच्चा ना, वही मुझे वो सिर पे ऐसे से करते थे अबू अम्मी, और वो गुआल पूटते थे, तो वो उस रास्ते में लगता है। व्हाट यू मिस द मोस्ट अबाउट हर, क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत? हर प्रेजेंस, द फिज़िकल प्रेजेंस है ना, देखे ना, इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ किसी के फौत होने के बाद पता चलती है वो उसकी फिजिकल प्रेजेंस, एबल टू डू, बी एबल टू टच समबडी। तो मेरा बहुत था कि मैं उनको टच करता था, उनको गले लगाता था, पियाँ करता था, उम्र करती थी, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। तो बाकी तो ये है कि शी इज़ ऑलवेज देयर, उनकी दुआएँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उनकी तरबियत, मैं अपनी माँ बाप का बच्चा हूँ तो मैं उनका ही एक रूप हूँ। तो आई विल यू नो आई फील कि मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ
मैं अपने माँ बाप दोनों का एक वो हूँ, एक मेरा अंदर एक चीज़ है, तो आई फील उनकी वैल्यूज बिल्कुल वो मेरे अंदर जिंदा हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रेजेंस में बहुत मिस करता हूँ, और जस्ट कि वो होते तो मैं उनको गले लगाता प्यार करता, तो वो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर याद आती है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब अल्लाह की एक मर्ज़ी होती है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है, तो जब जाना है तो जाना है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू से दिस टू एवरीबडी कि अपने माँ बाप का बहुत प्यार करें, उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एक लम्हे का नहीं पता, नहीं बिल्कुल नहीं पता होता, और माँ बाप से बड़ी गिफ्ट आपके लिए दुनिया में कोई है ही नहीं। आई फील कि अल्लाह ने सबसे बेस्ट जो गिफ्ट दिए ना आपको, वो आपके माँ बाप दिए हैं, तो उनका बहुत ख्याल रखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी माँ की ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश जिसके लिए उन्होंने आपको पैसे भी दिए थे, हाँ म्यूजिक सिंगिंग की, वो कब पूरी हो रही है? वो बस फिर अम्मी की जब डेथ हो गई फिर मेरे वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, लेकिन फिर सारे फ्रेंड्स ने फिर कहा, मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं उन्होंने कहा कि देखो आंटी की ख्वाहिश थी, अम्मी की ये ख्वाहिश थी, तो तुम्हें ये पूरी करनी चाहिए। तो अब मैं इंशाल्लाह इस साल से अपनी म्यूज़िक एल्बम पे काम शुरू करूँगा, और मेरी एक्चुअली हमारा ये फैमिली में ही था कि मेरी खाला हैं, अम्मी की छोटी बहन है शगुफ्ता, वो खाला मेरी बहुत प्यारी, उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, और तो वो मुझे अब उनसे मेरे नाते बड़ी सीखता था। अच्छा। वो नाते बड़ी पढ़ती, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, तो वो उनकी वो आवाज़ से हम इंस्पायर होते हैं, कितनी अच्छी आवाज़ है उनकी, तो उससे हम गाने गाते, मुझे उस तरफ हुआ। That's how, आप अभी भी मैं नाते बड़े शौक से पढ़ता हूँ। अच्छा। खाला से रबीउल अव्वल का महीना होता है ना, तो मैं खाला से पूछता हूँ, अच्छा खाला इसका वर्ड जरा मुझे बताएंगे, वो इसकी ट्यून बताएं, तो वो मुझे बताती हैं फोन पे, फिर मैं जाके उनको लिखता हूँ, याद करके पढ़ता हूँ। तो टोनी फिर अगर कोई नातों का मुकाबला हुआ आपने आना है फिर हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। इतनी लोग इतनी इतनी खूबसूरत तरीके से नात पढ़ते हैं, मैं तो इतना पता नहीं वैसे पढ़ता हूँ कि नहीं, लेकिन नात तो नात होती है, उसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, फिर अल्लाह ताला हम जो है हमदे बारी ताला उसमें होता है, तो वो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, और शायद उसी वजह से ये था होता था कि मैं अम्मी मुझे अक्सर कहती थी चलो नात सुनाओ, आज दिल करा नात पढ़ने का, तो फिर मैं जाके वजू करता रहा, जाके नात उनको पढ़ के सुनाता था। लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये आपके बारे में है, ठीक है, वो ये कि आपके इंटरव्यू में और अक्सर मैंने आपको ये कहते हुए देखा है कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, मैं ज़िंदगी में हर जगह घूम आया, मैंने बहुत से लोगों से मिला, और शो बिज़नेस का वो एक हाइप एंड यू नो जो एक आपको होता है, हर कोई पसंद कर रहा है, हर किसी से आपसे मोहब्बत है, हर कोई आपका दोस्त है, ठीक है, वो सब कुछ देखने के बाद अब आप ये कहते हैं कि अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छे से अच्छा इंसान बन बन। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कमी है ज़िंदगी की या उस अच्छे इंसान के अंदर जिसको ठीक करने के लिए आप कोशिश हो? रूज मैं तो कहता हूँ कि सारा वक्त इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, इंसान तो गलतियों और गुनाहों का पुतला है, और गलती ही है जो जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया में भी आया था, तो आई फील के वट एवर माई पेरेंट्स वर आई वॉन्ट टू बी लाइक दैम, कि वो इतने अच्छे थे कि मैं कहता हूँ कि मैं इतना खुश नसीब हूँ, अब हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मेरे इतने नेक माँ बाप थे, इतने अच्छे माँ बाप थे, तो मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, बस मेरा दिल कहता है, और मुझे लगता है कि मैं 100% अपनी कोशिश भी करता हूँ ना, तो मैं उन जैसा नहीं बन सकता, जो उनमें सब्र था, जो उनमें हेल्प थी, अगर अम्मी के मेरे बटवे में 200 रुपए भी होते थे ना, तो कोई हेल्प मांगने आता था तो वो 200 के 200 उसको दे देती थी, ये नहीं सोचती थी कि मेरा क्या होगा कि मैं 50 रुपए बचा लूँ या मैं 100 दे दूँ 100 रख लूँ, क्योंकि उन्हें पता था, यकीन था कि वहाँ से और आ जाएगा। बिल्कुल, और मैं जब किसी को आता है, जैसे कोई ऐसे लोग मांगने के लिए आते हैं, अल्लाह ताला सबकी मदद करे, हम तो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह देता है, मैं अपने से बटवा खोलता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ अच्छा 50 नहीं 10 दे देता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं 50 ही दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने ये कहा था, और बाद में मेरा वाकई दिल करता है, और मैं करता भी ऐसे हूँ कि मेरे बटवे में जितने पैसे होते हैं मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए, पैसे वापस आ जाते हैं। ये मेरी खाला जो है शिफ्ता जिनकी बात कर रहा था, इनके साथ भी ये हुआ था कि इनके बटवे में एक दफ़ा थोड़े से पैसे थे, तो उनके पास कोई आया था, तो उन्होंने मदद मांगी, तो मेरी खाला ने सारे पैसे उसको दे दिए, तो किसी ने उनको कहा कि भाई तुमने थोड़े से तो रख लेने अपने लिए, कहा कि कोई बात नहीं अल्लाह फिर दे देगा, और दे देगा, अल्लाह तवक्कल है, कोई बात नहीं, जिस अल्लाह ने उसको ज्यादा जरूरत थी, बस वही बात है, तवक्कल आप कर लें आप पार हो जाते हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। टोनी थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट वॉज लवली नोइंग यू। अच्छा जी, आप लोगों से मुझे एक बहुत अहम बात करनी है, आज हम लोगों ने टोनी को जानने की कोशिश की और बहुत सारे डिफरेंट पहलुओं के ऊपर बात की उनकी जिंदगी के, मगर आज यहाँ पर टोनी बैठे हुए हैं, बहुत हंस रहे हैं, सब कुछ है, मगर मुझे इस चीज़ का यकीन है और ये चीज़ मैंने
अपील की है कि एक शख्स जो इनके दिल के बहुत करीब था और हमेशा रहेगा, उनकी कमी इस कदर है इनकी ज़िंदगी के अंदर कि उनकी आँखों के थ्रू, बेशक वो रोए नहीं उनके ज़िक्र के ऊपर, मगर रोना ही सब कुछ नहीं होता, मगर उनकी माँ की कमी इनकी ज़िंदगी के अंदर है। और ये बात आपसे कहने का मकसद ये है कि जिन जिन की माएँ आज उनके साथ हैं, उस तरह से कदर करें अपनी माओं की, उस तरह से कदर करें अपने पेरेंट्स की जिस तरह से कदर करने का हक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, क्योंकि ये जब वक्त गुजर जाता है और वो ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियाँ आपकी माएँ आपके पास नहीं रहती, तब आपको अंदाज़ा होता है कि उनका क्या अहम किरदार था और किस तरह से वो आपकी ज़िंदगी के लिए अहम थी। इसी पैगाम के साथ, इसी मैसेज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें।